नमस्ते मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र एवं मार्गदर्शक गुरु ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार आदि महादेव प्रसाद शांडिल्य। ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह दोष निवारण हेतु किए जाने वाले विभिन्न उपायों के बारे में। इस चर्चा के दौरान हम इन 7 बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे। एक, सूर्य ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे सूर्य के स्वामित्व की राशि, उच्च व नीच राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि इत्यादि। हम जानेंगे सूर्य के मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह एवं समग्रह, सूर्य का स्वभाव एवं गुण, सूर्य के गोचर का एक राशि में कालावधि एवं किन भावों में गोचर अनिष्ट होगा, सूर्य ग्रह दोष निवारण हेतु विभिन्न उपाय और अंत में मंत्र जाप की सुयोग्य विधि, ध्यान मंत्र, सूर्य यंत्र, व्रत एवं उपवास, पूजा, औषधि, रत्न, दान इत्यादि के बारे में। तो चले शुरू करें। सूर्य ग्रह। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। इसका मूल त्रिकोण सिंह होता है। मेष राशि में यह उच्च का तथा तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य का प्रतिनिधि रंग लाल है। इसकी जाति क्षत्रिय है। सूर्य की दिशा पूर्व और धातु सोना या तांबा है। यह पुरुष ग्रह है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। इसका प्रतिनिधि ऋतु ग्रीष्म है। सूर्य का प्रतिनिधि पशु लाल रंग की गाय है। सूर्य की अवस्था वृद्धावस्था होती है। यह 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चंद्रमा, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र ग्रह हैं। सूर्य, शुक्र एवं शनि इसके शत्रु ग्रह हैं। सूर्य एक राशि में एक माह तक रहता है। सूर्य ग्रह का स्वभाव उग्र माना जाता है। मात्र सूर्य यह सतोगुणी ग्रह है। चंद्र लग्न के सापेक्ष सूर्य प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश भाव में भ्रमणशील होने पर अनिष्टकारी होता है। सूर्य का केवल तीसरा, चौथा एवं 11वां गोचर शुभ होता है। अनिष्ट गोचर के कारण उत्पन्न सूर्य ग्रह के दोष निवारण हेतु विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन दोषों से पीड़ित व्यक्ति ने इन उपायों में से जितने भी संभव हो उतने श्रद्धा पूर्वक करें तो अनिष्ट का निवारण निश्चित रूप से हो जाता है। सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए सूर्य ग्रह से संबंधित मंत्रों और स्त्रोतों का जाप किया जाता है। यह जाप शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को शुरू किया जा सकता है। किसी भी मंत्र या ईश्वर के नाम को बार बार दोहराने की क्रिया को ही हम जाप कहते हैं। जाप से अवचेतन मन जागृत हो जाता है। मंत्रों का जाप 4 प्रकार से किया जाता है। एक, पहली विधि वैखरी कहलाती है। इसमें उच्च स्वर में जाप किया जाता है। इस प्रकार के जाप में मंत्र स्पष्ट ध्वनि में सुनाई देता है। दूसरा, जाप का दूसरा प्रकार है मध्यमा। इस विधि में होंठ तो हिलते हैं परंतु ध्वनि सुनाई नहीं देती। मंत्र जाप अंदर ही अंदर चलता रहता है। तीसरी विधि है पश्यंती। इस विधि में ना तो ओठ हिलते हैं और ना ही कोई आवाज आती है। मंत्र जाप मन ही मन में चलता रहता है। चौथी विधि परा कहलाती है। इस विधि में जब कर्ता स्वयं ही मंत्रमय हो जाता है, मंत्र के जाप का मन में भी प्रयास नहीं करना पड़ता।
जाप स्वयं ही चलता रहता है। अब इन विधियों में पहली विधि की अपेक्षा दूसरी विधि प्रभावी एवं तीसरी का प्रभाव और अधिक है तथा चौथी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विधि का चयन करना चाहिए। वैसे शुरुआत पहले विधि से ही करना उत्तम रहता है। मंत्र जाप के लिए प्रातः काल सूर्योदय का समय अच्छा होता है। इसके अलावा तीनों संध्या काल सूर्योदय, दोपहर 12 बजे और सूर्यास्त, इन समय को भी उपयोग किया जा सकता है। प्रतिदिन किसी एक निश्चित समय पर जाप करना चाहिए। जाप के लिए स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर जाप करने से अधिक लाभ होता है। जाप के लिए अलग कमरा हो तो अधिक अच्छा है। अलग कमरा ना हो तो कम से कम कमरे का कोई कोना निश्चित कर लेना चाहिए। जाप के समय धूप अगरबत्ती लगा लेना चाहिए। मंत्र जाप के समय सूर्य देव की छवि मन में होनी चाहिए। जाप के समय दिशा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जाप करते समय जब कर्ता का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जाप के लिए कुश, कुश है ना एक प्रकार की घास, सो कुश का आसन हो या कंबल उपयुक्त है। इससे जाप से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी में नहीं जाती। व्यक्ति जाप के लिए पद्मासन या अन्य कोई भी आसन में बैठकर जाप कर सकता है, परंतु जिस भी आसन में लंबे समय तक बैठना पे तकलीफ ना हो उसी रीति से बैठना चाहिए। अभ्यास के एक ही स्थिति में बैठने से अवधि बढ़ती जाती है। सिर, गर्दन और कमर सीधी रहनी चाहिए। मंत्र जाप की माला भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसे बाएं हाथ से नहीं छूना चाहिए, हर कहीं नहीं रख देना चाहिए। इस माला को किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। माला कई प्रकार की होती है। इनमें रुद्राक्ष, तुलसी, शंख, कमल बीज, मोती, स्फटिक, मणि, रत्न, चंदन, सोना, चांदी या कुश की जड़ की माला हो सकती है। ब्राह्मण कन्या के द्वारा बनाए गए सूत में पिरोई गई माला सर्वोत्तम होती है। माला के दाने एक ही प्रकार के होने चाहिए। सभी प्रकार के माला के में दानों की संख्या 108 होती है। ये 27 नक्षत्रों के प्रत्येक की चार चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माला फेरते समय अंगूठे और मध्यमा का उपयोग किया जाता है। इसमें तर्जनी का स्पर्श वर्जित है। जाप के समय माला का सुमेरु, एक बड़ा दाना जो रहता है माला में, माला का सुमेरु पार नहीं किया जाता। इसके आने पर माला को उलट कर फिर से जाप शुरू कर दिया जाता है। यदि माला टूट जाए तो पुनः गुथ लेना चाहिए। यदि गलती से कोई दाना खो जाता है तो उसी प्रकार का दूसरा दाना ले लेना चाहिए। जाप के समय माला को गोमुखी या कपड़े से ढककर रखना चाहिए। माला को जाप के समय नाभि के स्तर से ऊपर रखना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक नम्र निवेदन है, मित्रों, अब तक का वीडियो तथा हमारे पढ़ाने का तरीका आपको भा रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने स्वयं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए करीब 3 वर्ष लगा दिए। अनेकों जगह से सीखने का प्रयास किया, ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन सारी कठिनाइयों को नजर में रखकर एस्ट्रोलॉजी सीखने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल का निर्माण किया गया है। इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा क्लासेस में हम आपको PPT के द्वारा जूम क्लासेस में जरूरी वो हर बात बताएंगे, जिसे समझने के बाद ही सही मायने में आप कुंडली का सटीक विश्लेषण बड़ी सरलता से कर पाओगे।
एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए महादशा, गोचर, अष्टक वर्ग, कुंडली, इनके उपयोग से सटीक भविष्यवाणी कैसे करना, ये भी आपको सिखाएंगे। आज ही इस कोर्स में अपना नाम रजिस्टर करवाने हेतु मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7997168316। अब सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए निम्नलिखित ध्यान करना चाहिए, वो ध्यान का मंत्र इस प्रकार है, ओम द्विभुजं पद्महस्तं चवर्धं मुकुटान्वितं ध्यायेत् दिवाकरं देवं सर्वाभीष्ट फलप्रदं। उपरोक्त ध्यान के बाद निम्न मंत्र का जाप कम से कम एक माला करना चाहिए और सूर्य का मंत्र है, ओम घृणीहि सूर्याय नमः। यदि संभव हो तो एक माला से अधिक जाप भी किया जा सकता है। इस मंत्र जाप के प्रभाव में वृद्धि कराने के लिए माला के बाद सूर्य के 108 नामों का उच्चारण करना चाहिए, इससे मंत्र जाप का प्रभाव बढ़ता है। सूर्य के जाप की कुल संख्या 7000 है, किंतु कलयुग में 4 गुणा करने से फल प्राप्त होता है, इसलिए 28000 जाप सूर्य मंत्र के कराने चाहिए। मंत्र जाप पूर्ण होने पर उनके दशांश का अर्थात 2800 सूर्य भगवान के मंत्रों से हवन करना चाहिए। हवन की संहिता में आक की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। हवन किसी वेद पाठी ब्राह्मण द्वारा शुभ मुहूर्त में कराना चाहिए। यदि जातक स्वयं 28000 जाप समय या अन्य कारणों से नहीं कर सके तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा संकल्प देकर करवाना चाहिए। सूर्य के 108 नामों को स्मरण करने के बाद सूर्य कवच का पाठ करने से शारीरिक पुष्टता और सुरक्षा मिलती है। सूर्य कवच के पाठ के बाद अंत में क्षमा प्रार्थना निम्न मंत्र से करनी चाहिए, यदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनं च यद भवेत तत् सर्व क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वर। सूर्य ग्रह के दोष का यंत्र के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में सूर्य यंत्र की स्थापना की जाती है। यदि रवि पुष्य योग हो तो उत्तम मुहूर्त होता है। सूर्य यंत्र को स्वर्ण पत्र पर या भोज पत्र पर बनाएं। यंत्र बनाने के लिए अष्टगंध या लाल चंदन का उपयोग अनार की कलम से करना चाहिए। अब इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके गायत्री मंत्र से सिद्ध कर लेना चाहिए और सूर्य का गायत्री मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात। सूर्य यंत्र इस चित्र में दिखाया गया है, ऑनलाइन रेडीमेड एवं सिद्ध करा के बाजार में उपलब्ध है। इस यंत्र को सिद्ध करा के पूजा घर में रखें और उसकी रोज पूजा करें। इस यंत्र को भोज पत्र पर बनाकर, अब आज की परिस्थिति में तो कागज पर कहूंगा, ताबिज में डालकर कंठ या भुजा पर धारण करने से भी लाभ होता है। सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए रविवार का व्रत बताया गया है। रविवार का व्रत आप कर सकते हैं। विधान के अनुसार पौष माह के प्रथम रविवार या अश्विन माह के अंतिम रविवार से यह व्रत प्रारंभ होता है, परंतु यदि इन महीनों के अलावा भी अन्य किसी माह में व्रत शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से करना चाहिए। इस व्रत में रविवार को नमक का सेवन नहीं किया जाता है। दही और चावल का भोजन एक समय करना चाहिए तो उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्यास्त के पहले ही उपवास खोल देना चाहिए, यानी शाम 5 बजे तक। उपवास वाले दिन
दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन कटु वचन ना बोले, झूठ ना बोले, किसी की निंदा बुराई ना करे, ईर्ष्या द्वेष जैसे भाव मन में ना आने दे। उपवास के दिन पान ना खाएं, मन में किसी प्रकार का विचार ना आने दे। और इसके लिए समय हो तो स्वयं को भगवत स्मरण या सत्संग में व्यस्त रखे, जिससे व्यर्थ की बातों के लिए मस्तिष्क खाली ना हो। रविवार के व्रत के समय सूर्य देव की ध्यान आराधना करते रहे, अपने आसपास सात्विक वातावरण बनाकर रखें और अपने मन को भी सात्विक रखें। इस प्रकार से रविवार का व्रत रखने से सूर्य ग्रह दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए यदि अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा भी की जाए तो जल्दी लाभ होता है। इसके लिए जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले दैनिक कर्म और स्नानादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अब ठीक सूर्योदय के समय सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। जिस समय सूर्य की लाल सुनहरा स्वरूप क्षितिज पर आए उसी समय जल चढ़ाना चाहिए। इस जल को एक पात्र में जमा करके तुलसी के पौधे में डाल देना चाहिए। जल चढ़ाने के पश्चात कुमकुम, अक्षत और पुष्प से भी सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद कुश के आसन पर बैठकर धूप दीप लगाकर आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ या बताए गए पाठ करना चाहिए। इस उपाय के करने से सूर्य ग्रह दोष का निवारण शीघ्र होता है। अब सूर्य दोष निवारणार्थ औषधि, कुछ औषधियां भी इस प्रकार की हैं, जिनसे स्नान करने पर सूर्य ग्रह दोष में वांछित लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए मैंसिल, इलायची, देवदार, कुमकुम, उशीर, जेष्ठी, मधुर, पद्मक, मुलेठी, कंसर, रोली, खस और लाल कनेर या जवा कुसुम गुड़हल के फूलों का रस से बना उपटन लगाकर स्नान किया जाना चाहिए। यदि ये औषधियां पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो इनके थोड़े से मिश्रण को जल में मिलाकर उस जल से भी स्नान आप कर सकते हैं। अब सूर्य दोष निवारणार्थ रत्नों का उपयोग। सूर्य का रत्न है माणिक। सूर्य का दोष शांत होता है, मैंने अभी बताया कि जैसे उपटन के साथ स्नान करने पे औषधि डाल के स्नान करने में सूर्य का दोष निर्वाण होता है। रत्न द्वारा सूर्य ग्रह दोष निवारण करने के लिए हमें पता है कि सूर्य का प्रतिनिधि रत्न है माणिक। अतः सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए हमने माणिक धारण किया जाना चाहिए। इसके लिए माणिक को रविवार, सोमवार या गुरुवार को शुक्ल पक्ष में खरीदना चाहिए। माणिक को खरीदने और उसे अंगूठी में जड़ने के समय पुष्य नक्षत्र होना चाहिए। यदि पुष्य नक्षत्र ना हो तो कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये रवि की तीन नक्षत्र हैं, इनमें भी ये कार्य किया जा सकता है। माणिक कम से कम तीन रत्ती का होना चाहिए। आड़े तिरछे कटके एवं खंडित असमान माणिक नहीं लेना चाहिए। माणिक को अंगूठी में इस प्रकार जड़ना चाहिए कि उसका निचला भाग शरीर को स्पर्श करता रहे। इस अंगूठे को प्रातः रविवार को सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। पहनने के पहले अंगूठी को कुछ समय तक, लगभग आधा घंटा, गाय के कच्चे दूध में डुबोकर रखना चाहिए। दूध में से अंगूठी निकालकर गंगा जल से धोना चाहिए। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो तांबे के पात्र में 12 घंटों तक रखा जल उपयोग में लिया जा सकता है। जल से धोने के बाद अंगूठी को एक लाल कपड़े पर रखें,
जिस पर लाल चंदन से सूर्य यंत्र बनाया गया हो। यदि व्यवस्था हो सके तो चांदी के 50 ग्राम के आसन पर तांबे का सूर्य यंत्र या सोने की सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। यंत्र और प्रतिमा की पूजा धूप दीप और पुष्प से करनी चाहिए, साथ ही अंगूठी की भी पूजा करनी चाहिए। अब निम्न मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस जाप के बाद अंगूठी को धारण श्रद्धा पूर्वक उसमें सूर्य देव का वास है ऐसा समझकर अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। यंत्रों को पूजा घर में रखें या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अंगूठी को सूर्योदय के समय धारण करना चाहिए। इस सिद्ध किए हुए अंगूठी को धारण करने से सूर्य ग्रह दोष निवारण में लाभ होता है। अब सूर्य ग्रह दोष निवारण में माणिक रत्न का विकल्प। माणिक एक मूल्यवान रत्न है। यदि इसे खरीदना संभव नहीं है तो उसके उपरत्नों को उपयोग किया जा सकता है। माणिक के स्थान पर गार्नेट, लाल स्पाइनल, लाल जिरकॉन या लाल टूरमेलिन का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इनको खरीदना भी संभव नहीं है तो सफेद आक या बेल की जड़, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इनको खरीदने लेने का समय माणिक के अनुसार ही है। इनकी पूजन तथा धारण विधि भी मानक के अनुसार ही है। सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए दान कौन से करें? सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और दान की वस्तुओं क्या है? तो दान की वस्तुओं में गेहूं, तांबा, गुड़, खस, लाल पुष्प, लाल कपड़ा, सोना, घी, लाल चंदन, माणिक, लाल गाय एवं सूर्य यंत्र शामिल है। यह दान रविवार को करना चाहिए। यदि रविवार पुष्य या रवि पुष्य या रवि पुनर्वसु योग है तो अधिक उत्तम है। इन वस्तुओं में से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। वैसे इनमें गेहूं स्वयं के वजन के बराबर होना चाहिए। शेष वस्तुएं श्रद्धा अनुसार किंतु उचित मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी होनी चाहिए, जिससे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब दान की विधि। उपरोक्त वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा, जैसे गेहूं के कुछ दाने, एक लाल पुष्प, घी की एक बूंद इत्यादि तथा दक्षिणा हाथ में लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प होने के बाद समस्त वस्तुओं को हाथ लगाकर ब्राह्मण या किसी सुपात्र व्यक्ति को दे देनी चाहिए। साथ में अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा व इन सब चीजों को लाने ले जाने की व्यवस्था का खर्च भी जातक ने स्वयं करना चाहिए। सूर्य के भाव अनुसार उपाय। सूर्य के प्रत्येक भाव के लिए भी अलग अलग उपाय अपनाए जा सकते हैं। इनकी संक्षिप्त में जानकारी इस प्रकार है। प्रथम भाव में यदि सूर्य हो तो और सूर्य ग्रह दोष का कष्ट है तो यदि जातक अविवाहित है तो उसका विवाह कर देना चाहिए। और सार्वजनिक उपयोग के जल स्थान जैसे प्याऊ, कुआं या पशुओं और पक्षियों के पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये प्रथम भाव में उपस्थित सूर्य का उपाय है। द्वितीय भाव में सूर्य। सूर्य के द्वितीय भाव में होने पर कभी भी गेहूं और बाजरा मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। नारियल, बादाम या तेल का दान धर्म स्थानों पर करते रहना चाहिए। तृतीय भाव में सूर्य हो तो सूर्य के तृतीय भाव में होने पर भतीजों की सेवा, भतीजे यानी
भाइयों के बच्चे, इनकी सहायता करनी चाहिए। चतुर्थ भाव में सूर्य, यदि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो तो अंधों को भिक्षा देनी चाहिए, साथ ही बुआ के लड़कों की मदद भी करनी चाहिए। पंचम भाव में यदि सूर्य हो तो लाल मुंह के बंदर की सेवा करनी चाहिए, आप उन्हें गुड़ चने खिला सकते हैं। षष्ठम भाव में सूर्य हो, यदि सूर्य षष्ठम भाव में है तो बंदर को गुड़ चना चाहिए, देना चाहिए। मामा की सेवा सहायता करनी चाहिए। घर में किसी पवित्र नदी या तीर्थ का जल रखें, मंदिर में दाने दें और रात को सिरहाने पानी रखकर सोएं। षष्ठम भाव में यदि सूर्य है तो सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में यदि सूर्य है तो सूर्य ग्रह दोष निवारण के लिए काली गाय की सेवा करनी चाहिए। जमीन में तांबे का चौकोर पत्रा गाड़ने से भी लाभ होगा। कोई भी काम करने से पहले एक घुट पानी पीकर फिर वो काम शुरू करें। अष्टम भाव में सूर्य, अष्टम भाव में यदि सूर्य हो तो लाल या काली गाय की सेवा करनी चाहिए। कोई भी काम गुड़ खाकर और पानी पीकर शुरू करना चाहिए। गेहूं 800 ग्राम और गुड़ 800 ग्राम दोनों वस्तुएं किसी भी रविवार को शुरू कर 8 दिन लगातार मंदिर में जाकर दान करना चाहिए। अब नवम भाव में सूर्य, यदि सूर्य नवम भाव में है तो सूर्य दोष निवारण के लिए चांदी, चावल या दूध का दान करना चाहिए। इन वस्तुओं को दान में कभी स्वीकार ना करें। दशम भाव का सूर्य, यदि सूर्य दशम भाव में स्थित है तो सूर्य दोष निवारण के लिए सिर पर सफेद टोपी या पगड़ी हमेशा पहनना चाहिए। काले और नीले कपड़े नहीं पहने। नदी या तालाब में तांबे का सिक्का डालना चाहिए। एकादश भाव का सूर्य, एकादश भाव में यदि सूर्य है स्थित है तो तांबे का दान करने से सूर्य दोष निवारण होता है। और द्वादश भाव का सूर्य, द्वादश भाव में सूर्य यदि है तो बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए और कभी भी झूठी गवाही ना दें। कोर्ट में बहुत लोग करते हैं, झूठी गवाही देने जाते हैं, तो 12वें घर में जिनका सूर्य बैठा हो ऐसे लोगों ने कभी भी झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। साले, चाचा और ताऊ, इनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें, साले, चाचा और ताऊ, इनके साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए यदि आपका सूर्य 12वें घर में बैठा है। लाल चींटियों को आटा डालना चाहिए। अब सूर्य ग्रह दोष निवारण हेतु और अन्य 11 उपाय भी इस प्रकार बताए गए हैं। पहला, सूर्य से संबंधित वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति से दान के स्वरूप में ना लें। दूसरा, रविवार के दिन बहते जल में तांबे का सिक्का भाए। तीसरा, रविवार के दिन लाल गाय को रोटी और गुड़ खिलाना चाहिए। चौथा, रविवार को बहते पानी में गुड़ बहाना चाहिए। अपनी जेब में एक तांबे का टुकड़ा हमेशा रखें। शुक्ल पक्ष के रविवार को तांबे की अंगूठी धारण करें। हमेशा सदाचारी तथा सात्विक बने रहना चाहिए। पांचवा, रात के भोजन के बाद, मतलब रात का भोजन बन जाने के बाद चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं। अब हर जगह गैस या इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल होने लगा है तो ये उपाय अब नहीं किया जा सकता। केवल गांव में जहां आप भी चूल्हे का इस्तेमाल होता है वहीं ये लागू होगा। फिर छठा, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बेल की जड़ का टुकड़ा जल में मिलाकर उस पानी से स्नान करना चाहिए। सातवां, सिर पर लाल चंदन का तिलक करें। आठवां, भोजन में गुड़, लाल गेहूं, लाल गाय का दूध या घी लेना चाहिए। नवा, स्नान में साबुन का
त्याग करे। दसा पिता, चाचा, ताऊ या किसी पितृतुल्य व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। और आखिरी ग्यारहवा, प्रतिदिन 7 पान दान करना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आज की इस चर्चा में मजा आया होगा, आपको ये चर्चा अर्थपूर्ण लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो तथा हमारा सिखाने का ये तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही में बाजू वाले बेल के आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। हाँ, आप में से किसी को अपने व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित कुंडली विश्लेषण करवानी हो, कुछ उपाय जानने हो, तो कृपया 7997168316 इस सेलफोन नंबर पर व्हाट्सएप कर शुल्क आदि के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।